हम एक कटोरी पास्ता जो कि हम पानी में डाल रहे हैं बॉईल होने के लिए, ये कम से कम 15 मिनट के लिए बॉईल हो गया। इसमें एक चम्मच हम तेल डालेंगे। थोड़ा सा नमक ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब हम इसको प्लेट से ढक देंगे 15 मिनट के लिए। हमारा पास्ता रेडी होता है, बॉईल होता है, तब तक हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए तेल। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम सबसे पहले डालेंगे स्वीट कॉर्न। फिर डालेंगे प्याज। गाजर, शिमला मिर्च, अब हम इन सबको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है। मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, मिक्स मसाला, धनिया का पेस्ट, बाद में हम डालेंगे इसमें सॉस। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें सॉस डालेंगे। हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है, अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे और इधर हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे सॉस। एक चम्मच मलाई, हमने ये मलाई इसमें इसलिए डाली ताकि ये थोड़ा क्रीमी क्रीमी हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता। देखिए कितना लुक, इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए खाएंगे, तब तक हमारा ये पास्ता रेडी हो जाएगा। हमारा पास्ता रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसे बॉल में डालेंगे। देखिए कितना मलाईदार बनाएंगे, क्रीमी क्रीमी।
ये थे हमारा पास्ता, आपको कैसा लगा? अब हम आपको मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।